हवा के दबाव में असंतुलन और पंखे के ब्लेड्स और छत की दूरी सही ना होने के कारण ऐसा होता है। रिमोट ऑपरेशन। ये एक रिमोट वाला पंखा है, इसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। रिमोट वाले पंखे को रेगुलेटर की जरूरत नहीं होती है। अगर रेगुलेटर पहले से लगा है तो पंखे से उसका कनेक्शन काट दें, पंखे की ओर डायरेक्शन करके रिमोट को चलाएं। पंखे चालू या बंद करने के लिए ये बटन दबाएं। पावर रीसेट पर पंखा अपने आप पिछली सेटिंग पर चालू हो जाएगा। एक बार पंखा चालू हो जाने के बाद आप उसकी स्पीड अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। इसमें 5 स्पीड सेटिंग है जिसे आप स्पीड अप और स्पीड डाउन के बटन से सेट कर सकते हैं। पंखे की स्पीड रिमोट कंट्रोल में दिखाई देगी। आप पंखे की डाउन लाइट को भी रिमोट से सेट कर सकते हैं। डाउन लाइट पंखे से अलग ऑपरेट की जाती है। इस बटन से लाइट चालू या बंद की जा सकती है। लाइट को डिम करने की 3 सेटिंग है जो इस बटन से ऑपरेट की जा सकती हैं। टाइमर का इस्तेमाल करके पंखा तय स्पीड पर प्रोग्राम किए गए समय तक चलता है। तय समय समाप्त होने पर पंखा अपने आप बंद हो जाता है। टाइमर बटन से 2, 4, 6 और 8 घंटे के लिए समय तय किया जा सकता है जो रिमोट पर दिखाई देगा। आइए अब अलग अलग फैन मोड को देखते हैं जिन्हें रिमोट से सेट किया जा सकता है। ये बटन दबाकर टर्बो, ब्रीज, स्लीप एंड नॉर्मल मोड को चुन सकते हैं। टर्बो मोड। टर्बो मोड पर पंखा अधिकतम स्पीड 310 आरपीएम में चलता है। स्लीप मोड। स्लीप मोड चुनने पर पंखे की स्पीड तब तक हर 1.5 घंटे में 1 लेवल कम होती है जब तक कि वो सबसे लोएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच जाता और पंखा पहले स्पीड पर चलता रहता है। स्लीप मोड में टाइमर बंद हो जाता है। ब्रीज मोड। ब्रीज मोड चुनने पर अगर पंखे की स्पीड 5वें लेवल पर है तो पंखे की स्पीड हर 30 सेकंड के अंतर पर स्पीड 5 से स्पीड 3 में बदलेगी। अगर पंखे की स्पीड लेवल 5 और लेवल 3 के बीच चुनी जाती है तो पंखे की स्पीड हर 30 सेकंड में तय स्पीड लेवल से स्पीड लेवल 3 पर आ जाती है और फिर ये साइकिल लेवल 5 से शुरू होता है। अगर पंखे की स्पीड लेवल 3 से नीचे चुनी जाती है तो पंखे की स्पीड हर 30 सेकंड में स्पीड 5 से स्पीड 3 में बदल जाती है। ब्रीज मोड में टाइमर बंद रहता है।